ने कह दिया कि फ्रेश डेट वारंट जारी हो, आज वो आके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया तो एक दिन में सब कुछ बदल गया। ये है निर्भया के चार गुनहगार मुकेश, अक्षय, विनय, पवन। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली में हुए निर्भया गैंग रेप के ये चारों दोषी कानून का फायदा उठाकर लगातार बच रहे थे। 2 बार फांसी की सजा टालने के बाद आखिरकार एक नई तारीख मिल गई, 3 मार्च सुबह 6 बजे इन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। आपको बता दें कि इन चारों के नाम 3रा डेथ वारंट जारी हो चुका है और इसी के साथ एक बार फिर से तिहाड़ में फांसी की तैयारियां शुरू हो गई है। लेकिन फांसी यानी जुडिशियल हैंगिंग का एक नाम और है, इसे तकनीकी मौत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शख्स को फांसी के जरिए ऐसा झटका दिया जाता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड ही टूट जाए। आपको बता दें कि फांसी में एक चीज और है जो बेहद जरूरी है और वो है इन चारों की सेहत। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन ये सच है कि जेल में इन चारों के वजन का ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि अगर इनकी सेहत खराब होती है तो इनकी फांसी में ये एक बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है। आपको बता दें कि जेल मैनुअल 2018 के मुताबिक फांसी के दिन चारों का वजन चेक होगा, फिर वजन के हिसाब से ही उसको ड्रॉप किया जाएगा जिससे गर्दन टूटने की घटना ना हो, गर्दन ज्यादा लंबी ना हो। रस्सी की लंबाई उतनी ही रखी जाती है जिससे शख्स की मौत आसानी से हो जाए। ये सभी चीजें न हो इसके लिए जुडिशियल हैंगिंग में बहुत सारे प्रावधान हैं, इसलिए शरीर के वजन के हिसाब से रस्सी की लंबाई दी जाती है। तकरीबन 7 साल ये तीसरी बार तय हुआ है कि निर्भया के इन चार गुनहगारों को कब, कहां और कितने बजे फांसी दी जाएगी। गौरतलब है कि फांसी से 4 दिन पहले डॉक्टर दोषियों की पूरी जाँच करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और फिर उसके मुताबिक फंदे की लंबाई रखी जाएगी। डॉक्टर चाहें तो उसके फंदे की लंबाई कम या ज्यादा कर सकते हैं। आपको बता दें कि विनय के वकील ने अदालत में बताया था कि वो 11 फरवरी से कुछ दिनों के लिए भूख हड़ताल पर था जिसके कारण उसके वजन में बाकी 3 के मुकाबले ज्यादा कमी आई। डेथ वारंट जारी होने के बाद दोषियों की बेचैनी और बढ़ गई है। तीसरे डेथ वारंट के हिसाब से अब इन चारों के पास सिर्फ 11 दिन की सांसें बाकी रह गई है। 12वें दिन ये चारों अपने अंजाम को पहुंच जाएंगी, उस गुनाह के लिए जो इन्होंने अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर 16 दिसंबर 2012 को अंजाम दिया था।